चमड़ी मोटी हो गई है, काली हो गई है, एक्जिमा टाइप हो गया है, खारिश हो गई है, तो आप इसके पत्तों को तोड़ लीजिए। तो जो लोग भी खुजली, एक्जिमा इन सब से परेशान है, तो इसका एक बार प्रयोग करके हमको जरूर बताएं कि कितना आपको फायदा हो रहा है। और ये अनुभूत प्रयोग है सर का, तो इसका हम जरूर फायदा उठाएं। ये सर, ये क्या पौधा है, ये किस काम आ सकता है? ये पौधा हमें हर पार्क में मिल जाएगा, सड़कों के किनारे मिल जाएगा। इसको कनेर बोलते हैं। ये ब्यूटी के लिए भी अच्छा पौधा है, और जितने भी पौधे होते हैं ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं। ये इसके फूल आते हैं, ये इसका फल आया हुआ है, तो ये सब पत्ते इनके। आज एक छोटा सा यूज बताता हूँ डॉक्टर साहब आपको। हाँ, ये सफेद फूल है, इसमें अलग अलग तरह के फूल आते हैं। कई सफेद कनेर होता है, कई पीला कनेर होता है, कहीं कहीं पिंक कनेर भी। इसमें ये मिल्क भी निकला। जब ये पौधा तोड़ा तो इसमें से ये दूध भी निकला। लेकिन हम इसकी आज अपनी उपयोगिता है जो हमारे लिए है बहुत सुंदर। अगर मुझे याद आता है, कई बार पेशेंट ना मेरे पास चमड़ी मोटी हो गई है, काली हो गई है, एक्जिमा टाइप हो गया है, खारिश हो गई है, तो आप इसके पत्तों को तोड़ लीजिए। इस तरीके से पत्ते तोड़कर, और तोड़ने के बाद इसमें से ऐसे दूध सा निकलता है, तो उसको साफ करने का तरीका है कि आप बहुत सारे आधा किलो के करीब ऐसे पत्ते तोड़ लें और पानी में धो लें अच्छे से, ताकि ये दूध वाला पोर्शन अपने आप धुल जाए। फिर आपने इसको इस तरीके से क्रश करके ऐसे और पानी में बॉयल कर देना। इसको पानी में उबाल कर जब पानी सहने लायक, जब उबल जाए इसका एक्सट्रैक्ट पत्तों का पानी में चला जाए और पानी वो सहने लायक हो जाए कि आप हाथ डिप कर सकते हैं, मान लिया हाथ में है तो आप हाथ डिप करके बैठ जाए, पैरों में है, पैरों में हार्ड स्किन हो जाती है, पैरों में इचिंग होती है, हाथों में इचिंग होती है, काली काली स्किन हो जाती है खारिश की वजह से, तो आप 5-10 मिनट केवल डिप करके रखिए। अगर हम ऐसा 2-3 दिन भी करते हैं, 4 दिन भी करते हैं, तो आपको अपनी स्किन का कलर व्हाइट तो नहीं होगा, लेकिन आपका अपने स्किन जैसी नॉर्मल स्किन आपकी हो जाएगी। तो और नहाया भी जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, नहा सकते हैं पूरे पानी से। आँखों पे बस ये बचा के रखना होता है हमें, कुछ भी जैसी जो दूध निकलता है जिनसे, चाहे वो आँख हो चाहे कनेर हो, ये सब मिल्क जो होता है ना पॉइजनस होता है, तो हमें इसको आँखों को प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए अगर नहाए भी तो आप गर्दन से नीचे नीचे नहाए, अगर सिर में भी है तो आँख बंद करके नहाए फिर, तो इससे क्या होगा आपकी स्किन की बीमारी, चाहे वो स्केबीज हो चाहे वो खारिश हो, अलग अलग डॉक्टर जो हैं वो स्किन के अलग अलग बीमारियों को अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन सबका बड़ा सिंपल सा इलाज है कि कनेर के पत्तों के पानी में उबाल के अगर उसमें धोया जाए हाथों को पैरों को, तो बहुत बेहतर ढंग से आपकी स्किन का इलाज हो सकता है। तो सिंपल सा इसमें भी काम आ सकता है? बिल्कुल आए, जो स्कैल्प बनते हैं ना सिरासिस में उसमें, लेकिन इसको करने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ेगी, तो आप नारियल का तेल सिंपल मॉइस्चराइजर के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए आप नारियल का तेल उसके ऊपर लगाएं, तो क्या होगा आपकी स्किन जो ड्राई हो गई है वो भी वापस नॉर्मल आ जाएगी। तो बहुत सुंदर तरीका है, मेरे इस अनुभूत प्रयोग को जरूर इस्तेमाल लें चमड़ी वाले रोगी, और स्वास्थ्य लाभ लें तो कमेंट्स में जरूर डालें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें करनाल प्लस चैनल।